हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका सब्जेक्ट ट्वेल्थ में कॉमर्स था और उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, क्या वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वो आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में हमने डिस्कस किया होगा, सबसे पहले एक इंट्रो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स जिस फील्ड में हो आप उसी फील्ड में जाइए। फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आर्ट्स, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं या साइंस से हैं, साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं। तो अभी जो हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कम्प्लीट डिस्कस करेंगे, चाहे वो बीबीए की बात हो, बीसीए की बात हो या क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ लिटिल और छोटे और डेडिकेशन डिवोशन फील्ड की जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो एक बैंकिंग आपका सेक्टर हो सकता है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप बैंकिंग वाले सेक्टर में जा सकते हैं जिसमें रिटेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, कारपोरेट, मर्चेंट, ट्रेजरी ग्रुप, रूरल बैंकिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और लोन एग्जीक्यूटिव। ये छोटे और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इनके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली मैंने बैंकिंग के बारे में बताया। उसके अलावा बात आती है अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में आप देख सकते हैं सीए, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं, बहुत टफ कोर्स होता है एक चार्टर्ड अकाउंट का जो कोर्स होता है सीए। इसके अलावा सीडब्ल्यू, कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंटेबल, सीएफए होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आप सर्टिफाइड होंगे तो आपसे हर कोई अकाउंटिंग करवाना चाहता है। इसके अलावा बात करेंगे इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस में भी है रिस्क एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। इसके अलावा बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले पर्पस में कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या, देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या है, इक्विटी शेयर रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर, कैपिटल मार्केट, वेंचर कैपिटलिस्ट और रियल एस्टेट, ये कंप्लीट जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फील्ड है आप इनमें अपना एडमिशन ले सकते हैं या इनमें आप अपना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए, अगर आपको मैनेजमेंट करना है जिसमें आपको एचआर रिसोर्स, एचआरएम जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीएम ब्रांड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, IBM जिसके बारे में बोला जाता है, तो आप ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट किस चीज़ का, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे वो ब्रांड का हो, चाहे वो इवेंट का हो, हर बेसिस पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स रिलेटेड हैं तो। इसके अलावा मैनेजमेंट के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो मार्केट रिसर्च का मैनेजमेंट हो, रिटेल मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग एंड सेल्स का हो, टेक्नोलॉजी का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो या फिर एजुकेशन मैनेजमेंट का हो, NGO को मैनेज करना हो, रूरल मैनेजमेंट हो, ऑपरेशन, एक्सपोर्ट, फैमिली, मटेरियल, फाइनेंशियल और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे हो सकते हैं। अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस की बात करें या फिनेंस की बात करें, जो भी आप बोलें, CFA सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट ये होता है, CFP फाइनेंशियल प्लानर जो होता है इसके बारे में। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं इनके बारे में समझिए कि ये भी कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम आर्किटेक्चर, वेब डेवलपर जो होते हैं, मल्टीमीडिया डिजाइनर, सिस्टम IT मैनेजर, डेटाबेस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सर्विस एंड मैनेजमेंट टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और इकोनॉमिस्ट, ये सारे के सारे कंपनी के सेक्रेटरी जो होते हैं, वेब डेवलपर से रिलेटेड सारे लोग कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स में जाके आप कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन बच्चों के लिए जिनका कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स है, अगर आपका कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने लिया है, कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर वो सब्जेक्ट आपने लिया है तो उनके लिए क्या ऑप्शन होते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें आप CA का ऑप्शन देख सकते हैं, ये अलग अलग ऑप्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं आप, BCA कर सकते हैं, BCOM भी कर सकते हैं, ये देखिए अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आप CA आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये ऐसे जरूरी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो। इसके अलावा उन बच्चों का ऑप्शन जो विदाउट मैथमेटिक्स है, जो विदाउट मैथमेटिक्स हैं वो कर सकते हैं आपका BBA, BBM, BA होटल मैनेजमेंट, BCOM, CA, इसके अलावा CFT, अलग अलग कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं।
ये उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स नहीं था, इनके लिए मैथ्स का कंपलसरी होना जरूरी है। बीए भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो ये कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था। उन बच्चों के बारे में भी हमने डिस्कस किया जिन्होंने कॉमर्स के साथ मैथ्स लिया है, और इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया उन बच्चों का जो कॉमर्स थे जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग में हो, अकाउंटिंग में हो, इंश्योरेंस में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, मैनेजमेंट में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सेक्रेटरी में है, अलग अलग फील्ड्स के बारे में हमने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी डिस्कशन किया। तो उम्मीद है मेरे डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कम्प्लीटली पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस कंप्लीट पीडीएफ के बारे में जानने के लिए आपको tiwariacademy.com की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे कम्प्लीटली आपको मिल जाएगी सारी की सारी चीज़ें थ्रू आउट, आप नोट डाउन कर सकते हैं और जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसके बेस पे अपना एडमिशन, अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने करियर का एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें और सब्जेक्ट्स के बारे में जान सकें एटलीस्ट। उसके अलावा डिसीजन आपके ऊपर है आप किस सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं। आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगता है कि नहीं सीए का क्या क्या ऑप्शन है, कौन से कॉलेज हैं आपके शहर में, तो आप अपने शहर से रिलेटेड आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कॉलेज हैं, आप उन कॉलेज में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने केवल आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं और बाकी डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको किसी के कहने पे एडमिशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे ही किसी भी करियर में एडमिशन लेना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।